माई का बच्चा नहीं होया करता कई सालों से, तो उस माई ने बाबे से हाथ जोड़ के विनती करी भी बाबा मेरे तो वरदान दे भी बच्चा हो। तो बताते हैं कि उसका बच्चा हो गया, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया भाई माई तेरा बच्चा हो जाएगा, लेकिन वो पैरों से अपंग हो गया। नरेगा का काम चल रहा है ना हर जगह, हर जगह लग रहा काम, मारे को लग रहा काम, कारण यो है जैसी करवा ले। अच्छा जैसे भी करवा ले काम को टिड्डी कोले बाबा के वरदान ते मारे नाथवास की सीमा में पूरी सुरक्षा। मेरा तो बढ़वा दिया ठा डाला कंजा, तो उसके पट्टे को नहीं, आड़े सारे पटने थे अमित कब्जे। हाँ अच्छा, ये पट्टे को नहीं, मतलब कई कोई भी दो गढ़ नहीं था, बंद नहीं बंद है। अच्छा तमल यो सिर का अंग था, अंग था यो पाया का बहुत था, केमी कर सका है इसमें, क्यों ऊपर पेड़ पौधे बोरे अगर बहनी रहा यो बादर का डरवा है। अच्छा तो ये उड़ा भी नहीं बेचेगा दूध। अच्छा दूध नहीं बेचेगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट नहीं। मैं अजय और आज की नाथवास गाँव में, तो नाथवास गाँव में जिस तरह एंट्री करी इस गाँव में, सबसे बड़ी बात मेरा बता लिया कि 200 साल तक पूरा दूध का टोप्पा कौन बिका है। सबसे बड़ी बात तो इस गांव की गरिमा या कि इस गांव में 200 साल से दूध कौन बिका, रियलिटी है। और पूरे बाबा फूलपुरी धाम नाथवास और इस तरह आगे पहले कहा जाके जोड़ और यो चौक, चौक पर दुकानदारी भी और भाई आनिए जानिए भी। अब अच्छा वृद्धाश्रम चौपाल सारी सुविधा उड़े हैं, तो गांव के बीच बेचारा जो है, चलो भैया कल घुमा दे भाई थोड़ा आप खुल खुल लो प्लीज़। तो गांव की बात, गांव का बुजुर्ग भी खड़ा और युवा भी खड़ा, डाडी दौड़े लड़के, लेकिन युवा है हकीकत है, क्योंकि गांव में डाडी दौड़े तो नजरत भी हो उसके आदमी की। बाबू जी 4.5 साल पूरे हो गए सरपंच के, कितने काम तो हो गए, कितने काम रह गए? 3 गाल रह रही हैं और हमारी बनांदा को नहीं हो पूरे गांव में। हाँ 3 गाल रह रही हैं। हाँ अच्छा कारण के बुझ जाओ कौन बुझा बड़े 15 दिन में बनाई 20 दिन में चलो मार लेगा तो बनांदा नहीं। मिठी गोली तैयार है। हाँ मिठी गोली थम लिया हो दे दे है। दे दे है। चलो सही बात है। आप युवा है, कितनी उम्र आपकी? 24 साल होगी। 24 साल तो 200 साल पुराना इतिहास आपको गाँव का बताया जा रहा है, तो कुछ बेरा भी है या भाई इतने साल पुराना हमने के बेरा? तो आपके बुजुर्गों को ज्ञान नहीं दिया आपने ज्ञान गांव के अंदर भी अपना जो इतिहास है गांव का पूरा रहना में आपका काम ईसा होगा? हाँ भाई बुधरा सुन दिया हाँ 200 साल के बाबा का आशीर्वाद है आड़े दूध तो बिकदा को। अच्छा सबसे बढ़िया कारण ये बताओ भाई, बड़ा दूध ना बिकने कारण के है? पहले भाई बंधन था बाबा जी का यहाँ। अच्छा बाबा जी ने बंधन लगा था, भैंस भूस बीमार हो मर जाया करती। अच्छा फिर बाबा ने दूध बंद करवा दिया था, यानी पूरा गांव के अंदर जितने भी सीम के अंदर आऊंगा दूध नहीं बिकेगा? दूध नहीं बिकेगा कोई भी, अगर दूध बेच दे तो बाई चांस भैंस मर जाती उसकी। अच्छा भैंस मर जाएगी उसकी, तो काम हरियाणा में पहला काम भी हो, एक काम और भी है पहला गाँव है मतलब इस गाँव का दूध यार दूध कौन बेच सके इस गांव का नहीं बिकेगा? इस गांव का एक भाइयो है ना। अच्छा अगर बाहर जाके रहो है और उड़ा डेयरी करना चाहो ना तो यो उड़ा भी नहीं बेच सकता। अच्छा अच्छा हाँ यो बंधन मिलेगा? यो बंधन यो बंधन इस गांव का बंदा जब बाहर जाके रहो होगा ना, अगर बहनी रहा यो भद्रगढ़ रहा है। अच्छा तो यो उड़ा भी नहीं बेचेगा दूध? अरे दूध नहीं बेचेगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा जी और कुछ धंधा जो गांव का आदमी ने वरदान है, आदमी ने वरदान चाहे पैदा होगा उसके लिए भी, चाहे मर गया उसके परिवार ने भी। हाँ। कोई भी हो और बार का की बस जा रहा वो भी नहीं बेच सकता। अच्छा इस गांव की सीमा जो आ गया वो बार का की बस गया है दूध वो भी कौन बेच पाओगा? बिल्कुल। अच्छा बस यो कारण के बनाया इस तरह यो इतना बड़ा तगड़ा वरदान है भाई यो कारण यो वरदान था डुंगरा मेरी बीमारी आ गई थी 200 साल पहला। हाँ अच्छा तो नुए पापा ने फिर बंधन लगाया था। अच्छा फुलपुरी जी था बाबा उससे की माया सब कुछ चाल दिया रही है। अच्छा अच्छा तो उसने 3 दिन हवन कराया था, मतलब कुछ खाना पीना नहीं गाँव में, आग उगनी कुछ नहीं बोले, मतलब पहले अपना भाई बना बुनो लो तो ऐसे करके न भाई कोई बाहर है वो बाहर रहेगा अंदर वो अंधेरे रहेगा। अच्छा ऐसे करके नरबंधन लगा था 5-7 चीज बताई थी, आज तक हम उन पर खरा उतर रहे हैं। अच्छा वो था नहीं बांधा हमारा काम का। अच्छा सुनो तुम भैया पीछा तुम बोथा भी नहीं बांधेगा टाइम मंदे टाइम मंदे बांधेगा हमारा काम का गुना जुड़े। अच्छा हां इस गांव के तो भाई कई उपलब्धि है जो
बाबा ही माया है आज तक हमारी नजर हमेशा कोई फौज में भी नहीं हुआ जो इतने फौजी रहे है कोई शहीद नहीं हुआ आज तक आपके गांव। हाँ जो गया वो वापसी वैसा आया है। अच्छा ये भी वरदान है बाबा का वरदान है भाई आज तक तो है नहीं आगे का आपका के पता इसका आज तक जितने फौज में नौकरी करे सारे सलामती तक करना है। बंदे है इस गांव के से जो फौज में नौकरी करे अब इस सड़क पर है भाई सब रिटायरमेंट भी आ रहे हैं नौकरी भी करने लग रहे हैं रिटायर भी आ गए कितने 10 20 5 150 साल में होंगे भाई 150 आदमी 150 आदमी तो नॉर्मल हैं 50 40 नौकरी करने लग रहे हैं लड़ाई में भाग ले उड़े हैं फरमान जी सारे कितनी लड़ाई हुई ना फौज में अपने कारगिल के लड़के आ रहे हमारे गांव के। अच्छा हां रिटायरमेंट आ लिए शहीद नहीं हो क्या हां शहीद नहीं आज तक वरदान हमारे गांव में। अच्छा अच्छा बब्बा ही माया बाबा भाई बब्बा तो कहता है तो भगवान था समाज है ये समाज है ये। अच्छा अभी भी समाधि समा गया था। हां समाधि वही समा गया था उसकी समाधि बना रखी है उससे ही मानता आज तक उससे ही मानता है उससे सारा गांव पूरे गांव मंदिर इसे आगे और किसी चीज जो है भाई सब कुछ गांव के लिए सब मतलब बापू भी कैसे है इससे आगे कुछ ना गांव खतरे। अच्छा अच्छा ये आपका गांव की विशेषता और इसलिए आपका गांव का दूध बिका कोनी। चलो भाई अच्छी बात है किसी बाबा जी के वरदान की वजह से इस गांव में दूध दिया दूध नहीं बेचेगा चाहे वो परिवार का। अच्छा फिर गांव का काम लेने चल जा तो गांव का काम आप पड़ोसी हो आपका डंगर को वैसे मिल जाता है आपस में दे देते हैं उधार सुधार उधार सुधार नहीं वैसे दे देते उधार सुधार। अच्छा दूध उधार अभी नहीं। अच्छा मिलेगा मिलेगा तो मेरी बहन आटगी तो मैं इसके लिए वो लेने जरूरत कौन है आपस प्रेम इकट्ठा कर लेंगे इकट्ठा कर देंगे बाहर से लेने जरूरत ना होती बाहर से लेने जरूरत। हाँ। अच्छा अभी दूध ले आए हो यो बाहर तो मोल ले आए। हाँ अच्छा बहुत बाहर काम तो है ना मोल लिया हो मार काम का। अच्छा वो चलेगा वो चल लगा। हाँ वो चल लगा। अच्छा तुम दूध बेचोगे नहीं तो व्यवसाय किस कुकर अभी डांगरा खर्चा कुकर चल क्योंकि वह बात तो वह ताई तो ताई बताओगी क्योंकि महिला है मैं सच्ची बात है डांगर तो वही काम धंधे तो वह करे। चलो भाई बुआ बताई तो मेरी तो बुआ लगी। हाँ, अच्छा बुआ बात था। हाँ, कितने रखी है मैं तो ब्याह तो लोटा रखी हूँ रूम मेरे बाबू की देड़ पर। बाबू की देड़ पर है। हाँ, चलो तो डांगल जो डोर है गाँव में पड़ा तो महंगे हैं खड़े भी बिंदोले भी महंगे आवे खुआना भी अच्छा पड़ा है। हाँ, तो वो खर्चा कुकर चला अगर तुम दूध बच्चों को तो हमें मारा खर्चा चला लिया घी बेच दिया। अच्छा 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 घी बेच सको उस गांव में। हां घी बेच सका भाई हमें घी बेच दिया उस अपना खर्चा चला लिया। अच्छा अच्छा मतलब यो की वरदान है फिर लासी बहनी वाले भी ले जा। हां अरे लासी लासी फ्री में ले जा भिवानी के। अच्छा लासी मोल बिके गए मैं को नहीं बिके मोल को नहीं बेच दे फ्री में डाल दे आप ले गए ना लस्सी नुबेरा पाट गए बाजार में जाई बेचे है उसके काम की लस्सी बंद कर देंगे उसको कर देंगे वो फ्री में ले जाओ खातर पी लो कोई दिक्कत नहीं है ब्याह शादी में ले जाओ पिवानी डेरे को नहीं के मंदिर वो जरगरी वाले इनमें भंडारा लगा तो तीन तीन चार चार ड्राम भर के जाओ लस्सी के। लस्सी के अच्छा 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 और बनिए भंडारा लगाओ है और कुछ करे हार तो लस्सी के ड्राम भर भर जाओ। चलो भाई बहुत अच्छी मानता है और बाबा के प्रति इतनी तकड़ी श्रद्धा भी है कि आज तक कोई फौज के अंदर ड्यूटी कराया कोई शहीद होके नहीं आया बहुत बड़ी बात है इस गांव के लिए भी। और इस गांव के अंदर चाहे करीब इस गांव में कितने घर होंगे 700-800 घर हैं। चलो 700-800 घर हैं और उसमें 500 घर में तो डंगरी पाए जाएंगे लगभग लेकिन दूध नहीं बिकता और घी बिकता इस गाँव का। तो ये बात करना है गांव की व्यवस्था सरपंच साहब से एक विनती है अगर सफाई कर्मचारी आपके गांव में हो तो प्लीज़ आप गाड़ों के द्वारा सफाई कराया करो आपके गाड़ा के अंदर सफाई कौन दिखना रही। और आपके बाबे की तो इतनी तकड़ी मानता और आपके गांव का यो हाल देखो चौक का तो देखते बनता नहीं है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सरपंच साहब आपके गांव का बाबा फूलपुरी धाम है तो यहाँ पे भी आप थोड़े गाँव वालों से अपील करो कि इधर साफ़ सफाई रखे ताकि बाबा के धाम के और नाम के चार चांद और लागे शुभ आगे गांव का कि गांव में पूरे गांव में दूध कौन बिके। नाथवाज गांव पहुंचने के बाद मैं नहर को ऊपर एक भाई मिल गया। भाई साहब सरपंच के 4.5 साल पूरे हो गए कितने काम हो गए कितने काम बकाए रह गए। देखो भाई हमारे गांव में काम अच्छा करा है बढ़िया करा है खूब करा है हमारे हिसाब से। गाँव में जैसे गड़ियाँ थी फिरनी थी उनका बहुत अच्छा काम करे। एक आंगनबाड़ी है एक आंगनबाड़ी केंद्र केंद्र बने है बाकी स्कूल में झूले झाले लाए रहे हैं। यानी सरपंच ने सूत्र काम करवाए
हाँ तकरीबन काम ठीक बने हैं, तकरीबन गलिया का सुधार करवाया है। तो पढ़वा दे है माले, मैं गरीब हूँ, मेरा तो पढ़वा दिया ठा डाला कंजा, तो उसके पट्टे को नहीं, आड़े सारे पटने थे अमित कब्जे। हाँ अच्छा, ये पट्टे को नहीं, अरे मारे पर क्या आड़े थे ये सारे ठुआ दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक कने खाली करवा दिया, एक कने ठड़े थे उन्होंने गाय को। हाँ उनकी बरादरी के पट्टे नहीं। अच्छा हमारी बरादरी के पट्टे। उनकी बरादरी कौन सी? जट्टा की। जट्टा फाटे था, थारे कौन सी बरादरी? भाई बम मन दाना कोई आए। अच्छा उन उनके उनके गए पहाड़ में उन उनके दिए पहाड़। हाँ और जट्टा का चला कोने। हाँ अच्छा, यो बड़ा चौड़ा कर दिया रोड है। हाँ चलो वैसे तो ये ठीक हुआ है, बहुत खराब रास्ता था, बाकी कब्जे तो सबके पाटने चाहिए। सही बात, कब्जे ये अगर सम्मान हो सारे सम्मान, कह तो किसी के ना पाड़ो ना सबके बड़े, चाहे कोई हो मैं हूँ और हो सरपंच ही साहब हमारे किते फार्म फूर्म आप साइन ले करवाने चले जावा तो पाओ को नहीं फोन करा। हाँ तो दो मिनट में कहते घर हूँ आ जाओ, पाछ खेता में जावा तो घर के जा पाओ है, फोन नहीं कौन था। अच्छा अच्छा, यानी काम चल रहा है? हाँ काम चल रहा है, बस कोई खास बात को नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, गाड़ी बढ़िया ले बात है ना ना कोनी गाड़ी बढ़िया। तो काम तो कितने खुश कितने हमें तो कुछ भी खुश को नहीं ना, जब हमारे फार्मा पैसा ही नहीं होंगे तो के खुश होंगे नु बताओ। कितने काम करा सब? साढ़े चार साल में ये काम करवाए जितने करवाए ही ये दिखे बस भाई, ये दाना के समाज से इनके कब्जे थे वो सारे टुवा दिए। अच्छा जट्टा का नहीं किसी का देखने का मतलब है कोने गरीब की बहू सब की भाभी ठड्डे बहू सब की ताई वो काम कर दिया। वो एक काम है जी। हैं हां वो कर दिया। पानी की निकासी कुछ भी काम है? पानी की निकासी देख लो आप, पानी का राग देख लो, पानी का कितने राग होती है ये भरे खड़े खुदा ने दो बार बरस गए तो अड़ के रास्ता बन पावे। अच्छा मान लो एक बार वो रात भी जिसी बारिश हुई ना उसी बारिश और तो मारा उड़ती पानी चले जा घरा में, गरम पानी भीतर बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाए गांव की निकासी सही हो। देख लो आप देखने लग रहा तो नाले नाले कौन बनाए गांव में? ये नाले तो हैं, फिर कोई ये नाले इस खुदान में छोड़ रखे है बस, खाली इसी में छोड़ रखे है आगे पानी की निकासी कौन है? यानी तो एक फिरनी के ऊपर नाले बनाए जाएगा, फिरनी के ऊपर ताकि खेतों के ऊपर जोड़ा के ऊपर पानी निकल जाया करे, वो जुगाड़ कौन है? ये तो एक नाली नाले सी है, ये नाली है बस गांव का पानी, ये नाले हैं ना, ये तो नाली है जो अपने घर आगे आगे गजा है। हाँ वो है। अच्छा गांव में सड़क सड़क तो बनवा दी, बाकी कोई कोई नहीं तो काम तो अगर खुश को नहीं देखो ना अमित शाह को नहीं और गांव हो तो। और एक पाँच साल में चौपाल की बस ये 2000 ईंट लगाई ने, ये पाँच साल में ये थी। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा वो भी ये बीडीसी के बनाई है, बीडीसी ने बनाई हो तो बीडीसी इस तरह तुम्हारा बीडीसी ठीक है। बोर्ड लग रहा है, इस बोर्ड का महत्व सुन दो तुम, आज आपको आ जाओ वो लिख रहा है खुले में शौच मुक्त गांव नाथवास खंड जिला भिवानी में आपका स्वागत है। हर गांव में स्वच्छ रखने दुष्मर्द प्रतिबंध, लेकिन उरे तो गोबर की कुंडी लाग रही है और उरे तो ढेर माच रहा है और उरे खादा भी हो रहा है, तो के तो फायदा इस बोर्ड का लगने का, के फायदा कुछ नहीं फायदा लगे। नरेगा का काम सारे गांव में चल, नरेगा का काम इस गांव में कौन चलता कारण के तो सरपंच को ही पता होगा, और काम का चलाव है तो ये कुरड़ी ठुआव है, नरेगा काम ये थोड़ी हो है। अच्छा गांव में का झाड़ू कडवा ये नरेगा काम हो गया? सही बात है, ये काम नहीं होता नरेगा के, नरेगा काम तो अलग हो है, अलग हो है खुदाई का माल ले बाकी ते जोड़ जोड़ खुदाई और कुछ खुदाई। हां ये हो है वो काम होता है वो को नहीं तो क्या करो फिर कुछ भी बताना रहे अपने कितने नालिया का दौर का ये भाठे पड़े हैं ठुआ दे है और झाड़ बोझे कटवा दे है और कुछ को नहीं। अच्छा जो काम होना चाहिए वो कौन करवा रहा है? वो नहीं ना। हाँ जो काम होना चाहिए वो काम कौन करवा रहा है? वो नहीं हो रहा और काम हाथ मारे और काम हाथ। चलो भाई सफाई वाले आज ये सफाई वाले देख लो आज हम ही निकाले हैं ये सफाई का भी ये रास्ता आप लोग करो। हाँ रुक रहे थे सारे किसी से बूझ लो ये रुके पड़े थे पानी अगर ये रुक जाए तो पानी उरक जा है गांव में बिछड़ जाएगा। हाँ ये रहा। अच्छा इसमें निकला है ये बंद है या जामी नहीं करे हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई तो कर्मचारी दो हैं। दो हैं वो आवे हैं? आवे हैं कह दिया। हाँ कौन ही करे? अच्छा वो कराए कौन ही? वो सरपंच का लागे रहे हैं काम पर। अच्छा सरपंच का घर नहीं? सरपंच का घर आया लागो या कि मैं करवाओ वो सरपंच जो कहेगा वो करा है। अच्छा सरपंच के खेत में लागे रहे जो नरेगा का काम चल रहा है ना हर जगह हर जगह लाग रहा है काम मारे को लागदा काम कारण यो है जेबीसी से करवा ले। अच्छा जेसीबी करवा ले कागदम फॉर्मेलिटी भरते हैं। हां भाई अच्छा अच्छा
जैसे भी जैसे गरीब आदमी का केक उठा है। हाँ सही बात, उन्होंने तो काम कोई भी उठा नहीं भाई। काम कोई भी काम आ जाए, मैं काम पहले काम करवा था उन पर गरीब मंटर की कोई है। अच्छा, यह आंगनवाड़ी के अंदर है और उरे बालक नाज लेने भी आवे हैं, उरे सारे काम हुए हैं और उरे कोई है यहाँ, कोई है आप देख लो, कोई है भाई वास्तव में, कोई छोड़ रखे तो केक छोड़ रखे है, ऊपर ढक्कन ऊपर बोझड़े हैं, ये ढक्कन है, ये ढक्कन है, आदमी पड़ जाए, डंगर पड़ जाता, कुछ भी पड़ सका है, पैर हाथ पर अगला टूटे टूटे। तो सर साहब आपसे विनती है कि इस काम का भी जल्दी से जल्दी समाधान कराओ ताकि कोई पड़े नहीं। धरती पाओगी बिल्कुल जी, और नीचे गद्दे से जाके क्या फूट दूंगी क्या, वो तो 14-15 फुट है, 8 फुट गहरी है। अच्छा 8 फुट थी या पहला तो दब लिया, तो सुधार करवाया कौन है, रोड खड़न जा जब भी कौन को सुधार वो देखे जी, वो मेन रास्ता है गली का सारा फुटे पड़े है, पुली फुटी पड़ी है जी, और अड्डा को होगा उनका गड्डी गुड्डी ले जाओ दिक्कत आओ जी सर। अच्छा सुन राय को नहीं देखे सर साहब, आपको क्या पर काम सारे काम करवा दिए, गली बनवा दी, सारे काम बढ़िया कौन हो गए, गली गली तो काम कौन चल, लेकिन हालात यह है कि आपके गांव की यो भैया का मंदिर है कि माता रानी का मंदिर है और उरा हाल यो है कि पानी भर जाए सारे काम जी। अमित दलाल है, अमित दलाल, तो दलाल साहब आपके गांव की व्यवस्था बात करी जाए साढ़े चार सरपंच की, तो कितने काम होगी, कितने रह गए जी? तकरीबन सारे काम हो गए। अच्छी बात है, काम होने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साहब आपके गाँव की धरोहर है आप फूलपुरा मंदिर, तो प्लीज यहाँ से भी सर साहब को कहे हुआ विनती करो, गाँव वाले से विनती करो कि यहाँ के जो कचरा माचा है वो भी ना माचना चाहिए। देखो जी, गांव में है ना सरपंच ने बहुत काम करा दिया जी, ठीक है, ये तो क्या है भाई, गांव की माँ आपने पता ही है भाई, लागवाजी के कारण गलियों को नालियों को रोक देते हैं। अच्छा अच्छा, गांव में तकरीबन नई गली बनी हुई है। अच्छा, और नई ये नाली बनी हुई है। अच्छा, लेकिन बस सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं, लोगों का सिस्टम खराब कर लिया। सही बात है भाई, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। गाँव आदर्श तो कागजों में सरकार बना हुआ है, लेकिन गाँव के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि है तो ये गाँव के अंदर उपलब्धियाँ भी होनी चाहिए, गाँव आदर्श भी होना चाहिए। ना तो आज से 4 साल पहले अगर ये बारिश के टाइम में तो निकलना ये जोखिम था, जोखिम है। हाँ वैसे ही भी कौन था, अब तो तकरीबन है ना के नाम ले रहे हैं, बहुत काम हो गया। चलो हाँ। बहुत बढ़िया सर, अमित साहब दलाल साहब अच्छी बात है, युवा ने कहा सब ने काम कराए तो काम गाँव में हुए होंगे, लेकिन विनती गाँव वालों से भी, ये आपके गाँव की धरोहर है, सरपंच का सहयोग से और आपके साथ से इस मंदिर की जगह को आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें ताकि कोई बाहर का देखने आवे। इतिहास तो इतना पुराना बता दिया, इतना तकड़ा बता दिया कि हरियाणा में कितने कौन लवद हो, किसी किसी का मतलब पाएगा नहीं, लेकिन अगर हालात देखेंगे तो क्या कहेंगे आप, विचार सोचें गांव वाले और सब सबसे अपना सहयोग लें और आप भी उनका सहयोग करें काम। तो गाँव की नालियों में साफ़ सुथरा पानी बहने लग रहा है, अच्छी बात है, अगर गाँव की साफ़ सुथरी गलियाँ होंगी, गली देखो और गांव की नाली देखो, तो साफ सुथरा काम लग गया है, अच्छी बात है, सौभाग्य है, काम अच्छा होने लग रहा है और गांव राम का काम भी आओगा। नाली साफ सुथरी होगी तो पानी जमा होवे को नहीं, बारिश का पानी जमा होगा वो बात एक अलग होती है, तो आज के दिन भिवाने के अंदर और गांव के अंदर बारिश आ चुकी जी, गाँव के 99% काम हो गए हैं, बल्ले बल्ले करते गाँव बिल्कुल, तो कोई ऐसा को काम रहा कि मन में मला रहे गांव के यार यो काम होना था वो है कोई नहीं समझ कर काल भाई, हर आदमी की अपनी अपनी एक समझ है, लेकिन इस हमारी नज़र में कोई काम ऐसा नहीं है जो सरपंच ने छोड़ दिया। आपके क्या करो? मैं आर्मी में रह गए, बढ़िया काम होंगे सारे, बल्ले बल्ले होगी काम। हाँ बल्ले बल्ले, चलो कोई भी काम ऐसा नहीं, कोई गाड़ कच्ची नहीं रही। यार देखो भाई, गाँव की मौज बेरा को नहीं, पानी सप्लाई का है या समरसिबल का है, लेकिन पानी का प्रेशर देखो, वास्तव में पानी की मौज है इस गांव के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य है उन गांवों का जिनके अंदर पानी की समस्या जो कि तो देखी जा सकती ले भाई, यो गांव का जोड़ है, जोड़ मेन जोड़ियो है, अरे तो पानी चल हो प्याऊ में खेल में, वो सप्लाई का पानी है कि क्या का पानी है? सप्लाई का, सप्लाई का पानी इतना प्रेशर होता है गाँव में, पूरे गाँव में सप्लाई की पानी की भरमार है। हाँ पानी सप्लाई का अच्छा है जी साहब, ले रहे हो हाँ। चलो यो तो भाई मौज ही काम का। अच्छा सरपंच ने 4.5 साल की काम की बात करा तो कितने काम करवा दी, कितने करेंगे
काम करवाने तो बतेरे करवा दिए रहे भी बतेरे रहे हैं। अच्छा रहे भी सारे तो के एक योजना में हो है। अच्छा 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 एक योजना में बात तो ठीक है वो को नहीं क्या कहोगे गैरी हमारी जोड़ के नुक नु पड़ी है। अच्छा जोड़ के चार जोड़ी नुक नु पड़ी है या सारी कट कट में आओगी और पानी और आ गया तो पानी तो रोड पर चढ़ जाएगा ना चढ़ जाएगा यानी सारा काम बाल आने के होगा। ये चार दुआरी है डिग्गी की जुगर है तो या भाई इसके गिरने की संभावना है की पड़ बीस का है भाई पानी भरागा तो पड़ेगी कच्चा रास्ता है नुन्ना कुआ है वो सारा मतलब सारा महान का है कि पानी ज्यादा भाई भरागा तो भरागा पानी सारा पानी इसी में आवे। हां इससे में आवे अड़ंगा उड़ंगा सारा जो कुछ आवे ना ना वो तो अलग जोड़ी है दो जोड़ी अलग है दो जोड़ी अलग अच्छा अच्छा इसमें गांव का साफ पानी आवे। हां साफ पानी अच्छा 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 चलो गांव की मोटी समस्या बताइए कि जोड़ की चार दीवारी कोनी वो जो होनी चाहिए गांव का इतिहास था 200 साल पुराना दूध का और वो जो इतिहास है वो इस गांव के अंदर दफन इस जगह के अंदर दफन है जिसने वरदान दिया और वरदान देकर आज गांव की इतनी सेफ्टी कर रहा समाधि ली यू वो स्थान बाबा फूलपुरी महाराज और अब भगत भी हैं सेवादार भी हैं इन तो बूझ भी लेवांगे और काम भी हो जाएगा अरे बसवा के ला दो बताओ सब विशेषता बताओ कहाँ कहाँ पर कि बड़ा रखा है। अच्छा इसकी चर्चा पूरे गांव में 700-800 परिवार के एक ही आदमी ने या कही कि जो कुछ है हमारा यो बाबा फूलपुरी है बाबा फूलपुरी तो यही मंदिर के अंदर संचालन की भी करते सेवा भी करते। सर आपका नाम क्या है? सतवीर। सतवीर जी सर विशेषता बताओ बाबा की क्या क्या विशेषता थी और क्या जो 5-7 वरदान बताए बाबा ने दिए थे उस 5-7 वरदान थे के मारे ईताई कोई टिड्डी कोड़े बाबा के वरदान थे मारे नाथवास की सीमा में पूरी सुरक्षा थी इस बात की। अच्छा मतलब कई कोई भी दोगड़ नहीं ठाओ मारे। अच्छा गांव में दोगड़ कौन ठावे है? है कोई तमंद नहीं बंद है। अच्छा तमल यो सिर का अंगोछा अंगोछा यो पाया का बोथा बोथा। अच्छा कोई बोथा नहीं बंद है कोई ये डुगडुगी बजा कर मदारी वह नहीं बजाओ कोई भी। अच्छा कई तो मदारी गांव आवे को नहीं अब आओगा वो मांग लेगा गुड़गुड़ी नहीं बजाओगा बस वो मांग ले और वो बाय चांस उसने बिना नहीं वो बजा दे तो गांव वाले बंद करवा देंगे उसी तरह गांव वाले बंद करा देंगे ईमानदारी से बंद करा दी। अच्छा और कई जिसका माउस हो कोई गाड़ी रोड नहीं जोड़ेगा। अच्छा बैल नहीं जोड़ेगा बैल गाड़ी में और पणवासी हर बिन्ने की दूध कोई भी जामन नहीं लाओ सब रन देंगे खीर बनाऊंगे खीर बनाऊंगे। हाँ या वो खानिया हो चना हो हाँ बरता दी और किसी ने दे दी दे देंगे पड़ोसी पड़ोसी बांट देंगे मोल कि बाबा प्लीज बाबा की मंदिर दिखाए हम बात करते हैं जी। तो पूरा गांव में 36 बिरादरी में चाहे शेर हो चाहे दो शेर हो कोई भी दूध बेचते नहीं गा वो अपने प्रेम रसूख में सब ने दे दी है ले जाओ भाई फ्री में। अच्छा घी बे कह अल्लाह सिलेंड कालवास बलवास निदान बहनी और बठे वठे के ले और बहुत गणी आओ हमारा गाँव में सब दूध और लाशी खाते रहे। तो ये 200 साल पुरानी वाह गए 200 साल 200-250 मारे भाई से बूढ़े मेरा पिताजी जी 80 साल से ऊपर का है 83-84 अच्छा, अच्छा। वो नु कहता है मैंने भी कदीम बूढ़े पे पूजा करता हूं उससे भी पहले की है। आहा तो गांव का मनी दुनिया में अच्छा जगह नहीं बेच सकता। अच्छा अच्छा हमारा गांव का तो आदमी कहीं भी जगह गया कहीं बस गया जी तो वो वहां भी दूध नहीं बेचेगा दूध बेचा नहीं का। हां जी उड़े भी से डंगल मर जाएंगे बीमार हो जाएंगे कोई कारोबार कर सकता है दूध नहीं बेचेगा दूध नहीं बेचेगा। तो भाई कहीं भी दुनिया में कहीं चला जाए बेच। आप पसरी में दो भाई थे पुलिस में थे सार तो एक ने बोला भाई मक्खन बिंदोले ले दूंगा तू ना अपना संपर्क करया वो अगला भी ना डाल लिया दूध लेके बंद कर दिया भाई तू अपना और किधर चलया। बिल्कुल पूरी सुख शांति है बाबा की दया। कोरोना कोरोना आई की बीमारी आए थे 5-7 गांव का नहीं था बाहर रहा नौकरी बाहर कर एक बंबई था बल्कि ठीक का था दूसरे तीसरे दिन छोड़ छाड़ दिया। माई का बच्चा नहीं होया करता कई सालों से तो उस माई ने बाबे से हाथ जोड़ के विनती करी भी बाबा मेरे तू वरदान दे भी बच्चा हो तो बताते हैं कि उसका बच्चा हो गया बाबा ने आशीर्वाद दे दिया भाई माई तेरा बच्चा हो जाएगा लेकिन वो पैरों से
अपंग हो गया। अच्छा। तो वह माई आई और उसने लिया कि बाबा के गोड्डे में बच्चा रख दिया। बाबा बोले ये बच्चा होया है, मैं इसका क्या करूँगी। उन्हें बोला जा माई, ये बच्चा ठीक हो गया। कहते हैं बाबा के खुद के पैर चले गए, वो लड़का ठीक हो गया। अच्छा, वो बच्चे के पैर? हाँ, बच्चे के पैर आ गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। और बाबा खुद के पैर, तो उसकी पिंडी जीव उस बच्चे की ना? ये भाई वो पुरानी बात है, इस बारे में कोई बार का था इस बारह माह में। तो बाबा की माई मैं भी जानी, गाँव के हालात भी दिखाए, लोगों से बात भी करी और सरपंच के काम कार्यकाल भी दिखाया। तो ये काम की उपलब्धि थी इस गांव की सबसे बड़ी। पूरा हरियाणा में गांव, पूरे हरियाणा में गांव एक यही होगा कि जहां पर एक ऐसा वरदान है कि दूध नहीं बिकेगा और कोई सेना का जवान, आर्मी का जवान, भारतीय सेना का कोई शहीद नहीं हुआ इस गांव से। तो ये बाबा फूलपुरे की देन बताई जा रही गाँव में। तो जे एन सिनू से अजय नायक, रवि कोहली की खास रिपोर्ट।